हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की एक नरम गरम दोपहर में आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जहाँ पे आज हम जो कोरोना वायरस के इशू के बाद जो फूड सेफ्टी और हाइजीन से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हमारा टॉपिक है फूड हाइजीन एंड फूड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर फूड बिजनेसेस टू बी यूज ड्यूरिंग रिस्टार्ट ऑफ दिस ऑफ देयर बिजनेसेस। आपको फैक्ट्री खोलने के बाद क्या किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेना है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे लिए इसको प्रस्तुत करेंगे हमारे आज के स्पीकर हैं मिस्टर शशांक जोशी फ्रॉम चितलेबंधु पुणे, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन फेस इन FSSAI एंड फूड सेफ्टी सर्कल्स। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ही इज हैविंग अ 25 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फूड प्रोसेसिंग क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस के ऊपर, और वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर कर चुके हैं अपने 25 साल के करियर में, और अब चितलेबंधु के साथ हैं। एंड ही इज ऑल्सो फास्ट्रैक ट्रेनर नॉमिनेटेड बाई FSSAI, and he's been having a vast experience in food safety. Shashank ji, please aap yahan se lijiye aur apna presentation aap start kijiye, aur phir hum agar kisi ke questions honge, kuch aa rahe hain mere paas questions, we will take those questions later on. So abhi aapka screen already start ho chuka hai, so you can take up from here. Welcome Mr. Shashank Joshi. शशांक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आ रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन हू एवर हैज जॉइन फॉर दिस वेबिनार ऑन दिस इवनिंग। आई सिंसियरली थैंक फिरोज जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हियर। What we are going to do, आज हम लोग जो, मैं हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में? मेरे हिसाब से हिंदी में, साउथ के भी लोग हैं, थोड़ा मिक्स रखिएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है FSSAI ने जो गाइडलाइंस दी है, अगर हमें फूड बिजनेस चालू करना है COVID-19 के खत्म होने के बाद, या ग्रीन जोन है, रेड जोन है, हॉटस्पॉट नहीं है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने बोला है, अगर हमको हमारा धंधा या हमारी बिजनेस, हमारा फूड बिजनेस चालू करना है, तो हमें क्या क्या उसमें एहतियात बरतेंगे, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जब हम लोग प्लान चालू करते हैं, उसके ऊपर है। पहले तो स्टार्ट ऐसा है कि इसके बाद में अभी हमें एक एक देखना पड़ेगा कि हम लोग पहले तो ये समझ लें कि कोरोना वायरस है क्या चीज। कोरोना वायरस में आपको दो, हम लोग बहुत सारा सुन चुके हैं, बहुत सारा जान चुके हैं, हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, बट बेसिकली टेक्निकली उसमें क्या फर्क है और क्यों ये हम लोग करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जब हम लोग समझ लेंगे तब हमें यह समझ में आएगा कि हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा है फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमने बहुत बार बात सुनी है टीवी पे, न्यूज पे सुना है, और कैसे है पर्सनल हाइजीन, मास्क क्यों लगाना, ये सब लगाना क्यों है वो बता दो। दो चीज मैं बताना चाहूंगा, एक है टाइम इज चेंजिंग और ग्रीन चेंज एज पर द टाइम, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर से हमें आगे जाना पड़ेगा। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर बेसिकली हम लोग कोरोना वायरस और COVID-19 क्या है उसके बारे में जस्ट एक थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके अंदर बेसिकली कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है जो पहले से ही मौजूद है, और हमें SARS या MERS नाम की चीजें इससे मालूम है, ये पहले आ चुका है। अभी जो स्ट्रेन, अभी जो टाइप ऑफ कोरोना वायरस आ गया है, ये पहले कभी नहीं आया, और इसी के लिए इसके ऊपर की दवाई, इसके ऊपर का जो भी वैक्सीन है वो अभी तक मिला नहीं है, और इसी के लिए ये सबसे ज्यादा डेंजर है। जैसे बता रहा था कि पहले से भी कोरोना वायरस हमें मालूम है, लेकिन ये जो है ये नया है, इसके लिए अभी इसको नाम दिया गया है SARS-CoV-2। अब ये डिजीज स्प्रेड कहाँ से होता है, हमने बहुत बार सुना है कि ड्रॉपलेट्स की वजह से ये हट जाता है, और इसी के वजह से हमें जब ये ड्रॉपलेट्स, एक कोई आदमी जो इन्फेक्टेड है, और इधर वहाँ पे दो टाइप के आदमी होते हैं, इधर ये इन्फेक्टेड है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो इन्फेक्टेड है लेकिन उसके कोई लक्षण
उसमें दिख नहीं रहे। ऐसे आदमी अगर समाज में घूमते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनके छींकने से, इनसे बात करने से जो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं वो हमारे हमको हमारे शरीर में जाके हमें तकलीफ देते हैं। एक और ध्यान देने की है कि ये जो ड्रॉपलेट्स है ये दरवाजे का हैंडल है उसके ऊपर भी जाता है, तो इसी के लिए ये सबसे ज्यादा डेंजर है, बिकॉज ये टाइप का चीज, ये टाइप में ये वायरस 24 से 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। अभी बेसिकली इसमें दो चीज देखनी पड़ेगी, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, ये क्यों जानना जरूरी है, बिकॉज हम लोग जब ये हमारा बिजनेस चालू करेंगे और कोरोना वायरस अगर किसी बंदे को हमारे प्लांट में अगर ये कोरोना वायरस की बीमारी आ गई तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको क्या तकलीफ है, क्या उसको फीवर है, क्या उसको कफ है, क्या उसको सांस लेने में तकलीफ है। अभी ये जो तकलीफ है ये कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सभी में पाई जाती है, बट ऐसा है कि इसके अंदर केयर लेना जरूरी है। उसमें बहुत सारे बाकी के लक्षण भी है, जैसे किसी को दर्द हो सकता है, किसी को बदन दर्द होगा, किसी को नाक बहती रहेगी, किसी को गला खराब होगा, किसी को डायरिया भी हो सकता है, ये सब चीजें उसमें मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी बेसिकली एक चीज चालू होती है कि आप फूड बिजनेस में हो और आप फूड बिजनेस, फूड बना रहे हो, मिठाई बना रहे हो, नमकीन बना रहे हो, तो क्या आपके पदार्थ से, जो आप पदार्थ बना रहे हो उसके वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है या नहीं सकता? WHO ने क्लियर किया है कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। हेलो, देयर इज नो एविडेंस व्हिच सेज दैट फूड के वजह से, कोई आइसक्रीम खाने से, कोई फ्रोजन फूड खाने से, कोई नमकीन खाने से, कोई मिठाई खाने से, कोई सब्जी खाने से ये फैल सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। बट ये जरूरी है कि जब हम लोग बाहर से कोई वेजिटेबल लाते हैं, समझो आज अगर हम लोग बाहर से कोई कोई चीज लेके आते हैं हमारे फैक्ट्री में यूज करने के लिए, जैसे समझो कोई मिर्ची लेके आया, तो ये मिर्ची के ऊपर भी ये वायरस हो सकता है? या वेजिटेबल को साफ करके धो के लेना और अपने यहाँ यूज करना ये अनिवार्य है। और बेसिकली ये लिखा हुआ है कि FSSAI का जो लाइसेंस हमें मिला है उसके अंदर दो चीजें लिखी है कि दे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट के अंदर में जो भी प्रोडक्ट के अंदर पाया जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर से किसी को तकलीफ होगा तो उसका पूरा जिम्मेदारी FBO का है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का। और उन्होंने दो चीज लिखी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये आपको इम्प्लीमेंट करनी ही है। और ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये सब GMP और Schedule 4 में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। चार चीजें जो करने बोली है वो चार चीजें है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अभी हर दो आदमी के बीच में 1 मीटर का फासला होना जरूरी है। जो भी आदमी आपके फैक्ट्री के अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसका थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। बेसिकली पर्सनल हाइजीन मतलब मास्क लगाना, हाथ साफ से धोना, हाथ को सैनिटाइजर लगाना और क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी का थर्मल स्क्रीनिंग करोगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर गन से लेना है, और वो टेम्परेचर 37.5 डिग्री या 99.5 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा होगा तो ऐसे आदमी को आपने आपके प्रीमाइसेस के अंदर नहीं आने देना है। विशांत जी, मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये पैरामीटर्स को लोगों को फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो हमारे एक कॉल है हमारे देश में कि भाई ये सब चीज करनी चाहिए, बट इसलिए भी जरूरी है कि कल को कोई भी केस आपके यहाँ आ जाएगा तो वो ब्रांड का लॉस है, अपने बिजनेस का लॉस है, सब चीजों का नुकसान होगा उससे। तो न सिर्फ इसलिए आप ये सोचिए कि भाई नहीं मेरे सारे एम्प्लॉयज सही हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, तो ये नहीं करें, क्योंकि थोड़ी सी भी ढील से अगर कोई भी केस आ गया तो हमारे कारोबार का नुकसान भी होगा। तो इसलिए अपने बिजनेस के लिए भी और कंज्यूमर के और देश के हित के लिए भी आपको ये चीजें फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। या प्लीज प्लीज कंटिन्यू फिरोज जी। उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो बीमारी है ये आदमी को सामने से देखने के बाद पता नहीं चलता कि ये बीमार है या नहीं बीमार है,
अगर ऐसा भी आदमी हो सकते हैं जो जो समाज में है जिनको ये बीमारी हो गई है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं है, ऐसे आदमी आपके साथ में काम करने आता है जिसको टेम्परेचर नहीं है लेकिन जिसको टेम्परेचर है या जिसको कुछ कुछ तकलीफ है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है या बता नहीं रहा है, दो चीजें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बीमारी है लेकिन वो बता नहीं रहा है या उसको पता भी नहीं है। तो इसी के लिए ये सब चीज जरूरी है, जहां जहां पे ऐसे आदमी का हाथ लगेगा, ऐसे आदमी के छींटे पड़ेंगे, उसको साफ रखना, उसको उसमें नहीं लाना इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो चीज लेफ्ट में दिखी, जितने भी ये मैंने पोस्टर्स अभी इसके प्रेजेंटेशन में डाले हैं, ये सभी प्रेजेंटेशन ये पोस्टर्स आप उसको डाउनलोड करके आपने प्रीमाइसेस में प्रिंट करके लगा दो, लोगों को ट्रेनिंग में दे दो। बेसिकली उन्होंने तीन चीज लिखी है, और जो है पहले आपके हाथ धोने हैं, कुछ भी काम करने से पहले आपने आपके हाथ धोने हैं और बार बार हाथ धोने हैं। और वो हाथ धोने का तरीका भी मैंने आगे बताया कि 20 सेकंड मिनिमम किसी भी सोप को लेके आपने हल्के से आपने पॉलिश करके अपने हाथ को धोना है। दूसरा है सैनिटाइजर आपने रेगुलरली लगाते रहना है और आपने एक दूसरे के साथ सेफ डिस्टेंस बना कर रखना है। और चौथा पॉइंट है सैनिटाइज जो भी पॉइंट है जहां जहां पे आदमी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हाथ लगाते रहता है उसको साफ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वहीं से ये सब चीजें फैल जाएगी। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फूड बिजनेस ऑपरेटरी क्या क्या है जो अभी उन्होंने COVID-19 के लिए जो गाइडलाइन दी है वो क्या गाइडलाइंस है वो मैंने बता रहा हूँ। पहला तो अपने जब भी आप कंपनी चालू करोगे पहला बार अपने लोगों को साथ में लेके ये जितना भी डिटेल्स है वो अपने लोगों को समझा देना है। ये जो भी समझाओगे उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, बिकॉज कल अगर कोई आपके पास विजिट के लिए आएगा तो आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आपने अवेयरनेस ट्रेनिंग करी है। दूसरा एम्प्लॉयज को साथ में लेके उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप सामने से आके खुले में बता देना कि मुझे ये तकलीफ है, बिकॉज अगर कोई छुपा के रखेगा तो और ये चीजें बढ़ने की संभावना है। दूसरा मशीन टच पॉइंट, आप बार बार मैं बोल रहा हूँ मशीन टच पॉइंट, इसमें ऑपरेटिंग पैनल्स आएंगे, आपका दरवाजे का हैंडल आएगा, आपके जो लिफ्ट है आपके अगर ऑफिस में तो लिफ्ट का जो बटन है वो आएगा, आपके इलेक्ट्रिकल बटन्स आएंगे, आपके ऑपरेटिंग पैनल्स आएंगे, उसको आवरली फ्रिक्वेंसी में सैनिटाइजर से क्लीन करना है। तो जैसे आपके पास अगर ऑटो डोर्स है जो सेंसर के साथ काम करते हो और डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है तो उसका आपने अगर ऑटोमेटेड करना है उसका बटन को डिसकनेक्ट करना सो दैट कोई बटन को नहीं टच करेगा। दूसरा है वर्कर्स को बेसिक अवेयर करके देना है कि भाई साहब आपका कुछ भी चीज हम लोग छीनने वाले नहीं है इसके पैंडेमिक के बाद, बिकॉज ये चीज FSSAI ने पर्पज भी उसमें लिखी है। बिकॉज अगर हम ये बोलते हैं किसी भी बंदे को कि भैया आपका नौकरी चला जाएगा आप अगर ये नहीं करोगे तो ये गलत काम है। दूसरा FBO ने स्क्रीनिंग करना है लोगों को बार बार में किस किस चीज के लिए करना है, फीवर है, फटीग है मतलब उसका बदन दर्द है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको खांसी है और सांस लेने में तकलीफ है। कोई भी बंदा जो COVID-19 से इन्फेक्टेड है भले वो आपका एम्प्लॉई हो, विजिटर हो, ड्राइवर हो, मालिक हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कस्टमर हो, कोई सामान लेकर आया हो, ड्राइवर हो, किसी को भी आपने अंदर नहीं जाने देना जब तक आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री या उसकी मेडिकल कंडीशन स्क्रीनिंग चेक करने के बाद पता चलता है कि ये कुछ नहीं है तब भी आप उसको अलाउ कर सकते हैं, उसके बिना अलाउ नहीं कर सकते। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बार बार ये चीज सुन रहे हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है हमारे साथ आके टीवी में बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ये हमने बनाया। तो ISO 22000 में या फिर FSSAI ने ये मैंडेटरी किया है कि हर कंपनी के पास में उसका एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उस रिस्पॉन्स प्लान में, मतलब कि समझो आज ये अगर तकलीफ आज COVID-19 है, कल अगर कोई और ऐसी तकलीफ आ गई तो हम लोग कैसे करें, लिस्ट ऑफ उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहले तो उसमें ये चीज होना चाहिए कि उसमें पहले तो ये चीज होना चाहिए कि आपका एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम मतलब अगर अर्जेंसी में कुछ करना है तो कौन क्या काम करेगा, उसमें ऑथोराइज जो बंदा है उनके नाम होने चाहिए, उनके फोन नंबर होने चाहिए, बाद में जो
नियरेस्ट पॉसिबल जो हॉस्पिटल है जहाँ पे COVID-19 का ट्रीटमेंट हो रहा है आपके सिटी में, आपके जिले में, उसका नाम पता होना चाहिए। मास्क कहाँ पे रखे, ग्लोव्स कहाँ पे रखे, PPE कहाँ पे रखा है वो लिखा हुआ होना चाहिए। एक आइसोलेशन रूम होना जरूरी है, ये लिखा हुआ है। आइसोलेशन रूम इसके लिए है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोडक्शन अगर आपको कोई भी एक बंदा है या आपको मिलता है जिसको ये सिम्टम्स है या तकलीफ है, उसको घर में ही भेजना है, उसको किसी आइसोलेटेड रूम में रखना है जहाँ किसी दूसरे बंदे ने नहीं जाना है, और वो रूम में उसको रख के फिर गवर्नमेंट को बताना है कि भाई वैसा वैसा एक बंदा हमारे पास है, आप उसको आके लेके जाइए, उसको ट्रीटमेंट कराइए। दूसरा, जो भी बंदे लोग आज के प्लांट में आपके प्लांट में आएंगे या जाएंगे, उसका हेल्थ स्टेटस, उसका अटेंडेंस आपने रखना जरूरी है। अगर आपके प्लांट में कोई केस हो जाता है, जैसे कोई बंदा है जिसको आइसोलेटेड में रखा है, बाद में पता चला है कि वो कंफर्म केस है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपने रखना है। इनकेस अगर आपके पास में कोई बंदा आता है तो उसको बाजू हॉस्पिटल में भेजेंगे, घर में ही भेजेंगे। बिकॉज अगर घर भेजोगे तो उसके अंदर में आप वो बंदा बिना बताए घर जाएगा और ज्यादा दिन फैलाएगा। पर्सनल हाइजीन, इसके अंदर में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हैंड वॉश, मिनिमम 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना जरूरी है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होने जरूरी है। अभी इसके अंदर अल्कोहल कितना परसेंट होना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब मास्क लगाना ही है, और ये मास्क लगाने का भी तरकीब है, कैसे तरकीब है वो भी बताऊंगा। फ्रिक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, आपका जो मशीन है, जो भी मशीन आप यूज करोगे, जो भी आप पतीला लोगे, जो भी आप यूटेंसिल लोगे आपके बनाने के लिए, वो कैसे आप क्लीन और साफ रखोगे, और किसी का भी एक दूसरे के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं आना चाहिए। हैंड वॉश फॉर मिनिमम 20 सेकंड्स एज पर WHO गाइडलाइन हैज टू बी डन। ये क्यों करना है, बिकॉज ये जो वायरस है, ये वायरस बेसिकली हाथ धोने से उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, या फिर एंड सैनिटेशन जो आप बाद में करोगे उसको कन्फर्म हो जाता है। अभी स्टाफ ने, जो भी आपका स्टाफ है, आपका ऑपरेटर है, ये हो सकता है कि आपके प्लांट में कोई फाइनेंस वाला बंदा हो, जो कोई स्टोर्स वाला बंदा हो, वो बोलेंगे सर हमारे इससे क्या मतलब है, हम तो फूड को हाथ नहीं लगा रहे। कोई भी बंदा जो आपके प्लांट में काम कर रहा हो, भले वो आप फूड को टच कर रहा हो या कर रहा हो, सभी ने हाथ धोने हैं, सभी ने हाथ सैनिटाइज करने। और एक चीज आपको बार बार आता ही होगी कि बीच में बहुत ये चल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर टनल लगाए थे, डोम्स लगाए थे, बिकॉज ये चल रहा था कि इनिशियली ये अगर हम लोग स्प्रे करते हैं कोई सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेराक्साइड का स्प्रे होता था कपड़े पे, तो ये पहले पता चलता था कि इससे आपको कुछ तकलीफ कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन किया हुआ है। गवर्नमेंट का उसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि बिकॉज ये जो क्लीन है वो आँख में जा सकता है और उसको स्किन को इरिटेशन हो सकता है। दूसरा है पेपर मास्क और कवर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। हर बंदे ने, जो भी बंदा फूड को टच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हर बंदे ने फेस मास्क को लगाना जरूरी है। और फेस मास्क लगाने का जो तरीका है वो तरीका ऐसे कि उसमें कोई गैप नहीं होनी चाहिए कि बाहर का कोई चीज अंदर जाए। कोई भी मास्क 6 या 8 घंटे के ऊपर कोई नहीं पहनना चाहिए। और इससे बचने का एक तरीका ऐसा है कि अगर आप कपड़े का मास्क लेके आते हो तो ये रीयूजेबल मास्क डेली धोने हैं। शुड बी रीयूजेबल मास्क शुड बी वॉश एंड सैनिटाइज डेली। डिस्पोजल ये जो करना है, जो खराब हो गए मास्क है उनका अलग से एक डब्बा बना के उसमें डिस्पोजल करना है, सो दैट ये कहीं वापस यूज नहीं हो सकते। ज्वेलरी पॉलिसी, वॉचेस जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ये पहनना नहीं चाहिए, तो ये स्ट्रिक्टली करना है, बिकॉज ये जो चीजें हैं इनके ऊपर भी ये वायरस रह सकता है और इनको छूने से ये वायरस फैल भी सकता है। और दूसरी बात है कि मोबाइल फोन, हम लोग बहुत सारी बार मोबाइल फोन प्रोडक्शन हॉल में लेने जाने के लिए नहीं बोलते हैं, बट कुछ लोग लेके जाते हैं। ऐसे में ऐसे हो सकता है कि ये जो मोबाइल है उसको भी सैनिटाइज करना जरूरी है, बिकॉज मोबाइल इज फाउंड टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट सोर्स ऑफ वायरस कंटामिनेशन इन द वर्ल्ड। दूसरा है ग्लोव्स। किसी खाने की चीज को टच करने वाले, लेकिन आप अगर कोई ग्लोव यूज कर रहे हो तो उसके बाद में दूसरे किसी सरफेस को टच नहीं करना है। अगर आप टच करते हो तो वो ग्लोव को आपको फेंकना है। लेकिन एक चीज है कि ग्लोव डालने से आपको उससे कोई सिक्योरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्लोव डाल दिया तो भी आपने हैंड वॉश करना ही है, सैनिटाइज तो करना ही है।
रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब जो मास्क हम लोग लगाते ले रहे वो हमने डिस्पोज करना है यूज करने के बाद। इलनेस अगर हमको आती है, हमको कोई बीमारी हो जाती है, हमको सांस लेने में तकलीफ है, खांसी हो जाती है, तो हमने हमारा जो मैनेजर है या हमारा जो ओनर है उनको बताना है कि भाई साहब मुझे ये तकलीफ है। जिसको भी तकलीफ हो उसको बाजू में आइसोलेटेड रूम में रखना है। और बहुत सारे लोगों के पास कल बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट का सिस्टम होता है, जहाँ पे आप डे टू डे एंट्रीज करते हो एम्प्लॉयज की आने जाने का टाइम का वो। लेकिन ये बोला गया है कि ये जो एंट्रीज है बायोमेट्रिक वो आप बंद कर दो या फिर उसको फेस रिकॉग्निशन पे चालू करो फेस, बिकॉज यहाँ पे जितने भी आप बार टच करोगे उतना बार आपको इसको साफ करना पड़ेगा। और फूड प्रीमाइसेस में मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे साफ करना है। जो भी अपने पास में एरियाज है उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। अभी आपको एक यहाँ पे एक पोस्टर है जहाँ पे आपने हाथ कैसे धोने हैं वो बता दिया है। नॉर्मली लोगों ने ये भी बोला है कि कोई हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू जो है वो 20 सेकंड बोलना है तो बाद में 20 सेकंड हो जाते हैं। या आप देख लो कि उंगलियों के बीच में, अंगूठे के बीच में, अपने हाथ के तलवे में, अपने हाथ के बाजू में, सब जगह भी जाके ये साफ करना जरूरी है। बिकॉज अगर एक भी चीज छूट जाएगी तो वो वहाँ पे वो बंदा रह जाए। दूसरा है कहाँ कहाँ पे हाथ धोना है, कब कब हाथ धोना है, खांसने या छींकने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को टच किया है, उसके बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद या खाना खाने से पहले, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। ये हमारे घर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। शशांक जी ये वाले अभी मास्क क्यों पहनना है, आपने ये वाले सेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोली, एक तो जो आपने स्टेप वाइज जो हाइजीन के तरीके बताए वो तो सब इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन ये जो पोस्टर्स आपने बताए ये कहाँ से डाउनलोड करने होंगे हमें? ये FSSAI के साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी में दोनों जगह अवेलेबल है, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हो। ओके, ये पोस्टर कर लेंगे। आप www. जितने भी आप हर पोस्टर के नीचे आप उसको साइट नंबर दिया हुआ है और कहाँ पे इसको डाउनलोड करना है वो भी दिया हुआ है। ओके, और एक आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली टनल, टनल के बारे में, क्योंकि टनल जिस दिन से ये सब शुरू हुआ है टनल्स के बड़े एड आने लगे हैं, हर आदमी टनल में वो कर रहा है, तो आपने मुझे ये जो समझ में आया वो मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि टनल और उसके अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं दैट इज नॉट वर्थ, उससे कुछ फायदा नहीं है? नहीं, उससे कैसा होता है, जैसे देखो अगर आपके आपके ब्लॉक के ऊपर आपने जो सबसे है उसके ऊपर अगर कोई वायरस है तो ऐसे भी आप क्या करने वाले हो, जो बाहर का आदमी जब आपके फैक्ट्री के अंदर आ रहा है आप उसको नहीं ले देते हो, जो बंदा उससे कपड़े एक के अंदर आ रहा है वो कपड़े पहन के जा रहा है, एक तो उसने यूनिफॉर्म पहना है जो धोके आ गया है, दूसरी बात है कि इसके अंदर जो केमिकल यूज होता है वो सब वो केमिकल जितना हार्मफुल है, हार्मफुल का मतलब है उसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है जो क्लोरीन है और उसमें केमिकल, ये आपने स्किन को इरिटेशन पैदा कर सकते हैं बिकॉज उसमें जितना क्लोरीन यूज करना है वो 1000 PPM तक स्प्रे होना चाहिए। 1000 PPM का मतलब है हमारे स्किन पे इरिटेशन आ सकता है। ये इनिशियली पहले ऐसा लगा था कि इससे कुछ फायदा हो सकता है, ये तभी फायदा हो सकता है आप जब अच्छा कपड़ा पहनने के बाद, आप जब पूरा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे कुछ टिपिकली एरियाज में ऐसे टाइप का सैनिटाइजर यूज होता है, वहाँ पे सिर्फ वो इतना देखते हैं कि बाहर की डस्ट या बाहर का तो ये नहीं जाए, ये अभी अलाउड नहीं है और गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया कि इसको यूज नहीं किया जाए। लेकिन वो पॉजिटिव है और उसको पता भी नहीं कि वो पॉजिटिव है, ऐसा आदमी आपके साथ में आएगा, आपके साथ बात करेगा, अगर आपने मास्क लगाया और उसने नहीं लगाया तो 70% चांसेस है कि ट्रांसमिशन नहीं हो या ट्रांसमिशन हो, सॉरी। दूसरा है कि उसने भी मास्क लगाया लेकिन आपने लगाया तो 5% ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर दोनों ने मास्क लगाया है जो आपको करना है तो उससे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी 1.5% होती है जो कि सबसे कम है और नीचे कम नहीं हो सकता। ये इसी के लिए बता रहा है बिकॉज लोग ये पूछते हैं कि जब हमारे हमें कुछ तकलीफ नहीं है हमने क्यों मास्क पहनना है, मास्क इसके लिए पहनना है कि हमको खुद को बचाने के लिए, या अगर हमें यह नहीं पता कि हम कैरियर है या नहीं है तो उसके लिए दूसरों को बचाने के लिए। अभी दूसरा है इसके अंदर कौन से मास्क पहनने चाहिए, जैसे होममेड
या सादा जो कागज मास्क है वो जरूर पहनना है। जो सर्जिकल मास्क है वो तभी पहनना है जब आप कोई डॉक्टर हो या आप काम करें, मास्क है वो उसी में पहनना है, बिकॉज वो बंदा जो बहुत नजदीक है उसको उसको तकलीफ होने का सबसे ज्यादा चांस है, इसी के लिए N95 उसे नहीं है जो पेशेंट ट्रेसर। और सबसे बड़ी बात है कि जो मास्क हमने लगा दिया, लेकिन वैसा मास्क लगाने के बाद में आपने आपके हाथ को फेस टच नहीं करना है, नोज को टच नहीं करना है, बार बार मास्क नीचे नहीं लेना है, बार बार मास्क ऊपर नीचे नहीं करना है, मास्क को आपने ढीला नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, और आपने अपना मास्क दूसरे किसी के साथ बांटना नहीं है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमने मास्क तो लगा लिया लेकिन जो हमारे हाथ को जो वायरस लगेगा वो अगर हमने मास्क को लगा दिया तो वो इनडायरेक्टली कुछ फायदा नहीं है जब हमने मास्क पहन लिया। ये तरीका है कि आप मास्क को कैसे पहन सकते हो। तो मैंने लेफ्ट साइड में आपको एक पोस्टर दिखाया जहाँ पे आपको फूड सर्विस ग्लोव और आपको सैनिटरी यूटेंसिल अगर करना है तो आपने ग्लोव पहनना है बिफोर हैंडलिंग रेडी टू ईट फूड जो आपके पास में बना रहा है। दूसरा है आपको पहले हैंड वॉश करना है उसके बाद आप ग्लोव डालना है। Change gloves anytime which you need to wash your hand after touching your body, after using the toilet, drinking, कुछ भी करोगे तो gloves को change। और कैसे gloves को change करना है वो भी मैंने right side में दिखाया है, because आप अगर एक gloves को डालना है तो आपने देखा होगा पहले तो आपने उसको gloves के उल्टा लिखा है, फिर आपने दूसरा gloves निकालना है। ये नहीं करना है कि आपने अपने हाथ को contaminate करना है, ये इसके लिए दिखा रहा है जिससे contamination कम हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में एक चीज देखनी पड़ेगी हमारे पास में, स्पेशली फॉर मिठाई बनाने वाले के पास में, कि हमारे पास में बड़े बड़े प्लांट नहीं है, जो भी प्लांट है वो छोटे होते हैं, जगह कम होती है, तो हमें इस एरिया में सबसे ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। अभी उन्होंने बोला हुआ है कि आपने 3 या 4 एम्प्लॉयज भी प्रोडक्शन एरिया में रखने हैं जो 10 फीट के अंदर है। इसके अंदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बाय क्रिएटिंग फिजिकल बैरियर, अपने फिजिकल बैरियर ऐसे यूज करना, अगर आपको 4 आदमी 10 फीट के अंदर में नहीं रख सकते हो तो आप प्रॉपर फेस शील्ड यूज कर सकते हो, जो फेस शील्ड आजकल बाजार में मिलती है। आप फूड प्रिपरेशन एरिया और वर्क स्टेशन को स्टैगर करें, मतलब एक साथ में अगर 2-3 चीजें हो रही है तो पहले एक चीज करें, फिर दूसरी चीज करें, फिर तीसरी चीज करें। तीसरा है कि प्रोडक्शन का लाइन का स्पीड तो 100% आपका कम होने वाला है, तो आपको ये देखना है कि कितना कम से कम जितना आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो उतना आपने स्पीड बनाना है। शिफ्ट अरेंजमेंट देख लो कि अगर आपका प्रोडक्ट है नेक्स्ट शिफ्ट में चल सकता है, दो शिफ्ट में चल सकता है। तीसरा है कि आपके जो ड्राइवर्स है और हेल्पर्स है जो जिनकी जरूरत आपको नहीं है, जैसे आपका कोई फाइनेंस का बंदा है, कोई अकाउंटेंट है, उसको अगर प्लांट में आने की जरूरत नहीं है तो वो घर बैठ के भी काम कर सकता है। दूसरा है अगर आपके पास में एक एरिया में 10 फीट के अंदर में 3 या 4 एम्प्लॉयज रखने के लिए तकलीफ है तो आप स्पेसिफिक मेजर्स ले सकते हो, जैसे आप टेप लगा सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कैसे कुछ कंपनियों ने किया हुआ है कि ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है जब आपके पास जगह कम हो। बाद में दूसरा है कि आपने किसी बहुत सारे टाइम अपने पास होता है कि हम लॉकर्स देते हैं एम्प्लॉयज को उनके कपड़े रखने के लिए, तो ये बताना है कि आपने आप उस बंदे ने लॉकर का भी शेयर नहीं करना है, कोई कॉमन आइटम शेयर नहीं करे। जैसे पेन है, मैं पेन यूज कर रहा हूँ, किसी ने मांग लिया मैंने दे दिया, तो ये चीज जो शेयरिंग है वो नहीं करनी है। दूसरा है कि अगर आपके फैक्ट्री में कोई बाहर का बंदा लेके आ रहा है या खाना लेके आ रहा है तो क्या करने हैं, आप टेक अवे ले सकते हो, डाइनिंग मत करो, फूड डिलीवरी जो है वो पैकेट रखो एक जगह पे 1 मीटर का डिस्टेंस रख के फिर आप उसको पैकेट को ले लो। जितना भी हो सके फेस टू फेस मीटिंग, आमने सामने बैठ के जो मीटिंग करनी है वो कम करो या बंद ही करो। मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो घर बैठे काम करेंगे और कौन बंदे प्लांट में आएंगे, ये स्टिक करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ कंपनियों ने उसको कैसे किया हुआ है। आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो फोटो है उसके अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं और बीच में कन्वेयर है, तो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। दूसरा आप चीज देखोगे जिसमें एक कन्वेयर के एंड में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको नीचे देखो, उसने नीचे येलो कलर का सिंबल बना हुआ है, इसी के इसके बाद में इसको बैठना है। दूसरा चीज, तीसरा जो फोटो इसके अंदर में दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बीच में कोई स्टिकर या टेम्पलेट कैसे लगाया जा सकता है जो 2 बंदे लोग काम करे
उनके बीच में, सो दैट एक दूसरे का जो बात करने के टाइम छींटे है या छींटने के बाद है वो एक दूसरे को नहीं लगे। तीसरा है कि आपने देखा है बहुत सारे प्लांट में फिंगरप्रिंट का एक्सेस होता है, वो उन्होंने बंद कर दिया है। तीसरा है ऑल टच पॉइंट, जैसे आप लोग कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी का जो साइड का रेलिंग है तो रेलिंग को आपको साफ करना पड़ेगा। टेम्परेचर स्क्रीनिंग कैसे किया जा सकता है, उन्होंने क्या किया येलो स्क्वेयर मार्क करे हैं, उसके अंदर आदमी ने खड़ा रहना है और फिर वो सिक्योरिटी बंदा है उसने एक डिस्टेंस से उसको टेम्परेचर गन देखना है, टेम्परेचर देखना है उसका। और तीसरा है कैंटीन का डोर से, टेबल से, चेयर से, ये सब जगह पे हो सकता है उसको स्प्रेज आपको करना पड़े। इसके करने के बाद में आपको आपने अगर आदमी ठीक से रखा है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है। अभी हमको जाना है क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, जो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में जो शेड्यूल 4 में दिखा हुआ है वो हम लोग पहले से ही करते हैं, लेकिन अभी हम भी ज्यादा चीज ध्यान देके करना है। जो भी बर्तन जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो चीज को हमें अप्रोप्रिएट क्लीनिंग, मतलब जो भी अच्छे तरीके का डिटर्जेंट है, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि निर्मा या फिर ऐसे टाइप का डिटर्जेंट ये कपड़े के लिए होता है, बर्तन के लिए नहीं है। तो अच्छे कंपनी का अवेलेबल है, भूसॉल रेजरी कंपनी है, इनके स्पेसिफिक यूटेंसिल क्लीनिंग डिटर्जेंट आते हैं, लिक्विड सोप आते हैं जिससे यूज करना है, प्रेफरेबली हॉट वाटर लेना है। कौन कौन से एरिया आपने चेक करना है, पहले तो आपने फूड प्रिपरेशन एरिया, प्रोडक्शन एरिया करना है साफ, स्टोर्स, पैकेजिंग एरिया, सर्विस एरिया, वेस्ट डिस्पोजल, ऑफिस स्पेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड टॉयलेट एंड वॉशरूम। अभी ट्रांसपोर्ट एरिया व्हीकल है, जब आपका कोई व्हीकल है जो आप प्रोडक्ट लेके किसी स्टोर में भेज रहे हो, किसी दुकान में भेज रहे हो बेचने के लिए, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी आपने सैनिटाइज करना जरूरी है। दूसरा है कि ये सैनिटेशन होने के बाद में आपने उसको 1% से आपने इसको सैनिटाइज करना है। जो हम लोग क्लीनिंग बोल रहे हैं उसमें आप क्लीनिंग हो सकता है, सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता। अभी इन्होंने एक चीज बोली है कि क्वार्टरली अमोनियम कंपाउंड आप यूज कर सकते हो। अभी ये चीज बार बार आ रही है कि आपने 60-70% ही अल्कोहल क्यों यूज करना है। उसमें टिपिकल ऐसा है कि कोई भी वायरस जो होता है, ये वायरस एक्चुअली कोई जीती जाती चीज तो है नहीं, उसको कोई होस्ट चाहिए, होस्ट मतलब किसी के बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो करेगा। इनका जो वायरस है, वायरस की जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ने के लिए अल्कोहल के साथ में पानी का होना जरूरी है। इसी के लिए 100% अल्कोहल कभी भी यूज नहीं होता है, नॉर्मली 70% अल्कोहल यूज होता है। आपने देखा होगा कि जो भी बाहर आइसोप्रोपाइल, नॉर्मली इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है 70%, 60% भी कभी भी मेंटेन किया हुआ है, 60-70% आपने यूज करना है। फिरोज जी एक बार ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, बिकॉज बाहर में मार्केट में ऐसा है कि 100% भी अवेलेबल है लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड 70%। हेलो, यस यस, वी आर हियरिंग यू टोटली। या या, ओके, नहीं मैं सोच रहा कि आपको आ रही है, हम म्यूट पे हैं। दूसरा है हाई टच पॉइंट, ओके, हाई टच पॉइंट कौन कौन से है, एलिवेटर से, हैंडरेल से, कॉल बटन से, पब्लिक काउंटर्स है, इंटरकॉम है, टेलीफोन है, प्रिंटर्स है, टेबल टॉप्स है, डायरीज है, कीबोर्ड्स है, आपकी टू व्हीलर की चार्जिंग है, माउस पैड है, एवरीथिंग। इन सब चीजों पे, बिकॉज ये हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है, ये वायरस 3 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। मेटेलिक सरफेस को आपको जो बेसिकली हाई टच पॉइंट है उसको क्लीन ट्वाइसली आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करना है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का मतलब होता है 100 लीटर में 1 लीटर, उसके हिसाब से आपको उसको बनाना पड़ेगा। मेटालिक सरफेस में डोर हैंडल से, सिक्योरिटी लॉक से, हैंडल से, बास्केट से, उसको आपने 70% से कर सकते हो। और हैंड सैनिटाइजेशन स्टेशन से, वो आपको वहां पे लगाने पड़ेंगे या आप बॉटल दे सकते हो। जहां जहां पे आपका फूड को कॉन्टेक्ट होता है वहां पे ये सैनिटाइजिंग सोल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट आपने जो स्टेशन से उसको भी क्लीन करना चाहता है। ओके, हाई टच पॉइंट टॉयलेट्स, या ये बताइए हमारा जो मेन जो कंसर्न रहता है फैक्ट्री के बाद वो हमारी व्हीकल्स होती हैं, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कुछ? हाँ। जिसपे आप थोड़ा सा लाइट डाल सके अभी, या अगर बाद में आने वाला हो तो आप बाद में लीजिएगा, या अगर वो मिस है तो आप उसको प्लीज उसको भी एड्रेस कर दें। नहीं, मैं बताऊंगा उसमें कैसे करना है, वो आगे भी आएगा, लेकिन बेसिकली जो भी व्हीकल आप यूज करोगे, जो भी आपने अगर कोई ट्रे है, नॉर्मली मिठाई अपनी ट्रे में जाती, तो ट्रे धुला हुआ होना चाहिए और ट्रे सैनिटाइज होना चाहिए।
तीसरा होना चाहिए जो व्हीकल आप लेके जा रहे हो उसका जो ड्राइविंग का जो उसका सीट है उसका जो एरिया है जहाँ जहाँ पे आदमी हाथ लगा सकता है उस चीज को अपने सैनिटाइज करना है, और जो व्हीकल है जहाँ पे आप मटेरियल रखोगे उसको धो के लेना है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि टॉयलेट्स एंड वॉशरूम को धोना और साफ करना जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, लेकिन अभी हमको धोने के बाद में इसको 1% हाइपोक्लोराइड से धोना है, सो दैट हाइपोक्लोराइड इसके लिए बार बार यूज हो रहा है बिकॉज ये डिसइंफेक्टेंट है। अगर आपने कोई बंदा अगर खास ले समझो हो सकता है कि किसी को तकलीफ हो और बंदा खास करना है से क्लीन करना है, और जो भी आपको क्लीनिंग इक्विपमेंट है क्लॉथ से मॉप से रिजिबल जो यूज करो साफ करने के लिए उस यूज होने के बाद रोली धोने के बाद उसको डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए बिकॉज बाद में भी आप यूज करोगे। जैसे आपके पास में ग्लोव है बूट्स है जो रीयूजेबल ग्लोव है बूट्स है उसको भी आपने धो के रखना है। अभी बेसिकली क्लीनिंग एंड सैनिटेशन जो आपका इक्विपमेंट का है उसके अंदर तीन चीजें, एक तो प्रिपरेशन है, जैसे आपका अगर कोई मिठाई बना दिया आपने किसी कोल्हापुरी मिक्सर में बना दिया तो आपने पहले उसको पानी से हल्का धोने के बाद उसको हल्का होने के बाद डर्ट निकल जाएगा और फिर उसको गर्म पानी से धोना है, उसके बाद में आपने फिर 60 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर और डिटर्जेंट डाल के उसको धोना है। तीसरा है ट्रीट विद हॉट क्लीन पोर्टेबल वाटर एटलीस्ट 75 डिग्रीज पर 2 मिनट। अगर आप ये चीज कर सकते हो जो 75 डिग्रीज से या फिर आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर सकते हो। तीसरा है एयर ड्राइंग काउंटर इक्विपमेंट टू एयर ड्राई मोस्ट हाइजीनिक वे इज टू ड्रेनिंग द रैक, मतलब आपको जो इक्विपमेंट है तपेला है पतेला है उसको टेढ़ा करके रख देना सो दैट जो पानी है वो निकल जाए और ड्राई हो जाए। ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये करने के बाद ही अपना पूरा चीज सैनिटाइज हो जाएगा। अभी उन्होंने ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ यूज करनी है, जैसे क्लोरीन है कि क्लोरीन जो बाजार में मिलता है वो नॉर्मली 8% या 12% प्यूरिटी का सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको मिलता है या फिर 35% एक्टिव क्लोरीन का भी मिलता है। ये आपने कहाँ पे यूज करना है, क्लोरीन यूज करना है फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसिस पे ऑलवेज फॉर फूड, जैसे आपने मिर्ची लेके आए कोई कुछ चीज लेके आए जो वेजिटेबल आप यूज करते हो या फिर फूड है उसके लिए आपने इसको धोना है क्लोरीन से, सो दैट आपको जो क्लोरीन है उसको सैनिटाइज कर दो और 1% क्लोरीन से आपका मिर्ची को इसको कुछ तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आपने सादे पानी से बाद में धो के लेना। तीसरा है क्वार्टरनरी मिथाइल ब्यूटेरिक कंपाउंड, ये बेसिकली कंपाउंड आपको बाहर मिल नहीं सकता बट आपका जो सैनिटाइजर का जो बॉटल है इसके अंदर ये डाला हुआ रहता है फूड कॉन्टेक्ट सर्फेस में, और 70% अल्कोहल है जो हैंड सैनिटेशन कॉमन टच पॉइंट पे आपने यूज करना है। तीसरा है अभी मैं आ रहा हूँ आपको क्या क्या आपको करना है बिकॉज ये सब चीजें एफएसएस के ऊपर ही लिखी हुई है उन्होंने कि कैसे करना है। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन जो हम करते हैं उन्होंने फोटोज है पैम्पलेट है जो आपको आपसे प्रिंट करके आप लगा सकते हो। बार बार एक ही चीज है क्लीनिंग होना है फिर सैनिटेशन होना है आपके इक्विपमेंट का और आपके टचिंग सर्फेसेस का। ओके दूसरा है स्पेशल इंस्पेक्शन फॉर डिफरेंट फूड सेक्टर है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जब अगर किसी के दुकान है किसी का जैसे हमारा भी स्टोर्स है अभी खुलेंगे ये बाद में तो उनके पास में क्या करना है उनके पास क्या हमने केयर लेना है जब हम उस दुकान को खोलेंगे उसको कैसे करेंगे। आइसक्रीम पार्लर हो गए उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दीजिएगा। आइसक्रीम पार्लर को भी थोड़ा उसको कैसे बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर से आपकी मिठाई की दुकान है मिठाई बेच रहे हो मिठाई वापस दे रहे हो सकता है कि कुछ यहाँ पे मैंने कुछ चीजों का ये नहीं दिया हुआ है जैसे आपका डिलीवरी ऐप है डिलीवरी के लिए अलग से स्टैंडर्ड है कि बंदा जो जा रहा है डिलीवरी के लिए उसने ग्लोव पहन मास्क पहनना है उसने सैनिटाइज करना है ये सब लिखा हुआ। अभी यहाँ पे जैसे रिटेलर कोई काउंटर हमने खोल दिया तो उसको बंदा जो खड़ा है उसको यूनिफॉर्म क्लीन होना चाहिए उसको कैप होना चाहिए और फेस मास्क डालना चाहिए और उन्हें हाथ बार बार अच्छी तरह धोना। लिमिट नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग स्टोर एट वन पॉइंट टाइम। आपने आपके दुकान में हो सकता है क्या एक अंदर में जो चक्र बना रहे जैसे बाकी जगह पे आपने देखा होगा सब्जी वाले बना रहे या दुकान वाले बना रहे वैसे आप आपके यहाँ पे एंट्री बना सकते हो एग्जिट बना सकते हो। उससे फायदा होगा कि 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा जैसे लिखा है सोशल डिस्टेंस और कस्टमर होना चाहिए। यूज फ्लेक्सी ग्लास बैरियर एट टिल्स एंड काउंटर जो आपके पास जो
आजकल के वो चल रहा है कि जो शील्ड आ रहे हैं, फेस शील्ड आ रहे हैं, वो दे सकते हो, सो दैट कस्टमर के तरफ से आपके बंदे को तकलीफ नहीं हो. जो आपका स्टॉक है वो कम से कम रखो, बहुत ज्यादा स्टॉक मत रखो, डिस्प्ले रखो, गैप जो जब बहुत ज्यादा स्टॉक रखोगे तो उसमें भी सेलिंग में प्रॉब्लम होगा, फिर वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. दूसरा है आपके स्टोर में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो टच पॉइंट, जैसे मैंने बोला था डोर हैंडल, आपका ट्रे है, आपका वजन काटा है, आपका स्टेपलर है, या जो भी कुछ चीज आप यूज करते हो या कुछ है, उसको चेक करना कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे हमने उसको धोना है, हमने उसको साफ करना है. आप मैक्सिमम टाइम पे ये चेक करो कि आप ई वॉलेट या फिर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करो, कैश मत, कैश कम से कम एक्सेप्ट करो, बिकॉज कैश जब करोगे तो दिस इज अ करेंसी नोट. करेंसी नोट इज द बेसिकली अ पेपर, और पेपर पे ये वायरस जिंदा रह सकता है कुछ घंटों के लिए. ये है कस्टमर फेसिंग. जब आप कस्टमर को फेस करोगे तो क्या आपने करना है, बेसिकली आपके एम्प्लॉयज को स्क्रीनिंग जरूरी है, वहां पे भी दुकान में भी जो बंदा खासा हुआ नहीं कि उसको कोई तकलीफ नहीं चाहिए. दूसरा उसने हैंड वॉश बराबर करना है, और नीचे आपने देखा होगा कि 6 फुट का डिस्टेंस 2 या 3 कस्टमर्स के बीच में है. तीसरा है स्क्रीनिंग, वो बार बार हैंड वॉशिंग स्क्रीनिंग, ये चीजें हैं स्टाफ के लिए कस्टमर फेस. तो कस्टमर फेस जो कोई कर रहा है उसको क्या करना है, और जो स्टाफ है उसने क्या करना है. तीसरा है फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आपने आपके ड्राइवर्स, लोडर्स और आपका जो स्टाफ है उसको इस बीमारी के बारे में जागरूकता लानी है, उसके क्या सिम्टम्स है वो बताने हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी व्हीकल से उसको रेगुलरली क्लीन करना है. यूज व्हीकल ओनली फॉर फूड डिलीवरी, नथिंग एल्स. अगर किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो उसको अवॉइड, उसने फूड हैंडलिंग नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना है. ड्राइवर्स लोडर्स ने भी एक दूसरे के साथ में डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हाइजीन बना के रखना है. अगर वो कोई प्रोडक्ट को टच करने वाले हैं तो उसने हाथ धो के ही प्रोडक्ट को टच करना है. आप एक दूसरे को, इन लोगों को फेस कवर दे सकते हो, फेस शील्ड दे सकते हो, सो दैट उनको एक दूसरे का तकलीफ. पब्लिक टॉयलेट और क्राउडेड प्लेसेस आपने यूज करना बंद करना है. जैसे कोई आपका ड्राइवर है वो सिटी में चला गया और उसने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, तो ही शुड अवॉइड, ही शुड आइदर प्रॉपरली उसको प्लान करे कैसे जाए. अगर कोई व्हीकल आपका हॉटस्पॉट एरिया में जाता है, अगर कोई आपका व्हीकल हॉटस्पॉट एरिया में जाता है तो व्हीकल को थोरोली क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है, और इसके पूरे रिकॉर्ड आपने रखने हैं. अब तीसरी चीज आती है फूड पैकेजिंग, ये 7वां पार्ट है. उसमें फूड पैकेजिंग कैसे आपने यूज करना है और कब यूज करना है, और उसके लिए क्या आप कर सकते हो वो दिखाया. जैसे हेलो या हाँ तो बेसिकली फूड पैकेजिंग के ऊपर आपका जो सरफेस है उसके ऊपर 4 घंटे से 5 दिन तक ये वायरस रह सकता है. अभी आप बोलोगे कि हेलो यस 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 वी आर हियरिंग. उसके अंदर बेसिकली आपने देखा होगा क्या, नहीं मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि लो बैटरी, तो मैं सोच रहा था कि मेरा तो बैटरी ठीक है. कॉपर पे ऊपर 2 से 8 घंटा, एल्युमिनियम पे और 24 घंटा कार्डबोर्ड पे ये वायरस रह सकता है. स्टेनलेस स्टील पे 2-3 घंटा, प्लास्टिक से 2 या 3 दिन और लकड़ी पे 4 दिन. तो ये दिया हुआ है कि ये कोरोना वायरस एवरेज सरफेस रिटेंशन टाइम कितना है. तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जो पैकेजिंग आपके पास आएगा, जो कार्डबोर्ड या कार्टन आपके पास आएंगे, वो आपको 1-2 दिन पहले लेके आने पड़ेंगे. आपको उसको अलग से रखना पड़ेगा, 2-3 दिन क्वारंटाइन करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो. और जो भी सरफेस आपका है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, उसको अगर यूज करना है तो उसको साफ करके यूज करना है. दूसरा है रिकमेंडेड फॉर, अगर एम्प्लॉय कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए उसने हमने क्या करना है. अगर एम्प्लॉय अगर ऑन साइट पे मिलता है तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि हमारे पास ऐसा ऐसा एक आदमी है. और एम्प्लॉय अगर घर पे है, अगर हमारा एक कोई एम्प्लॉय है जो घर पे है और उसको अगर लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका भी हम लोग बता सकते हैं. और हम लोग वो बोल सकते हैं, इस आदमी को बोल सकते हैं आप घर पे रहो, काम पे मत आओ. उसने अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं और टेस्टिंग आपने नहीं किया है तो आपने मिनिमम 3 दिन 72 घंटा विदाउट यूज ऑफ फीवर रिड्यूसिंग आपने रहना है, सो दैट
ये सिम्टम्स अगर आपके बार बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे या जा रहे हैं आपको पता चलता। Employees should notify their supervisor. Encourage the employee to contact their local health authorities, seek medical attention. अगर आपको कोई भी ऐसा symptoms आता है तो आप उसको use कर सकते हो. Hello? Yes, yes. Yes, please continue. Shall I take the questions? हाँ हाँ. Okay. Okay. दूसरा है recommended employees के. शशांक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी. अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई, अभी आई. Okay, शशांक जी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. हाँ टोटली ड्रॉप, मतलब अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है खाली. अभी आ रही है आवाज? या अभी आ रही है. यस ओके. अभी इसके अंदर ऐसा कि एम्प्लॉइज को प्री स्क्रीन करना तो जरूरी है. शशांक जी आवाज नहीं आ रही. We can't hear you. हाँ जी, हमको पता चल रहा है कि कैसे है क्या है और हम लोग कर सकते हैं उसके हिसाब से. ओके. ये वाला पॉइंट अगर आप रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमने बिल्कुल नहीं सुना आपका रिकमेंडेशन प्रोटोकॉल. एक दो मिनट दीजिए. हेलो. यस हाँ जी. उसके बाद FSSAI ने डिस्प्ले बोर्ड्स कुछ दिए हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ. जैसे आपने आपको उसको देखने हैं, ये जितने भी बोर्ड्स हैं ये सब बोर्ड्स FSSAI के साइट पे अवेलेबल है और ये आपको मिल सकता है और आप डाउनलोड खुद कर भी सकते हो. ओके. ठीक है. ये सब पोस्टर्स हैं जो वहाँ पे हैं अवेलेबल. हाँ ये पोस्टर्स है, ये सब पोस्टर्स आपने आप डाउनलोड कर सकते हो. ये हिंदी में है. ओके. ये सब FSSAI की वेबसाइट से हम लोग ले सकते हैं हाई रेजोल्यूशन फाइल्स PDF में और फिर उनको प्रिंट करा सकते हैं. अपने यहाँ पोस्टर्स लगा देंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, ना सिर्फ स्टाफ के लिए भी बट आगे अगर कोई ऐसा चीज मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके पास भी अपना एक प्रूफ रहता है कि हमने हर नॉर्म को फॉलो किया है और हर गाइडलाइन को हमने फॉलो किया है. ये सब उस चीज में रिकॉर्ड में भी जाएगा आप लोगों के कि अगर आप इन पोस्टर्स को अपने में रखते हैं. और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी प्रेजेंटेशन शशांक जी से लेके और मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप में, ताकि जिसको भी इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं या अपने पास सेव करना है तो वो सेव भी कर सकते हैं. शशांक जी आप मुझे ये दे देंगे ना प्रेजेंटेशन? अच्छा प्रेजेंटेशन था. और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक हम लोग एक मोड इस टाइम है कि हमें कब अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है. होपफुली कुछ लोगों को उम्मीद थी कि कल वो स्टार्ट करना चाहते थे अपने पार्लर्स को और शॉप्स को, लेकिन वो परमिशन नहीं मिल पाई बहुत सी जगह पे. अभी तक मुझे नहीं मालूम पड़ा है कि कहीं पे
मिठाई शॉप स्टार्ट हुई है, जो जहाँ पे ऑलरेडी पहले से था वहाँ पे ऑलरेडी सब चल रहा था, लेकिन अभी इसके बाद कुछ नया फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी हुआ कि खुलने के बाद बंदी करा दी गई शॉप्स, तो होपफुली बाय 3rd मे देर विल बी मोर क्लैरिटी ऑन इट, स्पेशली इन द ग्रीन जोन, जो ग्रीन जोन एरियाज हैं। और ऐसे भी मालूम पड़ा है कि बहुत से जो रेड जोन है, रेड जोन एरियाज जैसे मुंबई या दिल्ली हो गए, उसमें भी विद इन दिल्ली एंड विद इन मुंबई भी कुछ ग्रीन जोन एरियाज होंगे जिनको वो लोग अब सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे और आगे शायद बिजनेस करना शुरू करेंगे। भी इकोनॉमी को रिस्टार्ट करना, इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पे लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे न सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए वाइटल है, बट पूरे देश के लिए, देश को चलाने के लिए भी एक एक मनी सर्कुलेशन जरूरी है। हमारे एम्प्लॉयज आएंगे, उनको पैसा मिलेगा, सेल होगी, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग इसको जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे होपफुली। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इसमें, और ये इसकी मैं हेलो पीपीटी यस बोलिए। हैदराबाद में बीकानेर वाला वो चालू ही है जी? बहुत से सिटीज में शॉप्स एक्चुअली बंद नहीं हुई थी, और बहुत से सिटीज में सिर्फ पिकअप के लिए स्टार्ट किया हुआ था। तो हैदराबाद में इवन दिल्ली में भी हल्दीराम्स पे और कई जगह पे शॉप्स खुली हुई हैं, जहाँ थी वहाँ है। लेकिन परसों के बाद जो एक सोचा था कि संडे से एक नई गाइडलाइन मिलेगी और हम लोग इजीली खोल पाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सबका, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी इसकी पूरी हम कल को शेयर कर देंगे सारे ग्रुप्स में यूट्यूब पे, और ये प्रेजेंटेशन भी मैं साथ में शेयर कर दूंगा, तो जिसको भी इसके इसमें बेनिफिट लेना हो ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप भेज दीजिएगा, आई विल शेयर इट विद शशांक जी एंड वी कैन रिप्लाई वन ऑन वन। थैंक यू सो मच, अभी आज के लिए इतना ही। आई होप हम लोग अगले प्रेजेंटेशन के लिए जल्दी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेके, कुछ नए जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं उनको लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फिरोज फॉर अ नाइस। थैंक यू फिरोज जी, थैंक यू फिरोज जी, थैंक यू, थैंक यू फिरोज, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।